नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी होती है उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है। मतलब हम जो भी इलेक्ट्रिक कार लेते हैं उस गाड़ी की जो वारंटी होती है 6 साल 8 साल 10 साल, उसके ख़त्म होने के बाद, वारंटी ख़त्म होने के बाद अगर हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है तो उस बैटरी को रिप्लेसमेंट कराने में हमारा कितना खर्चा आता है, क्या कॉस्ट आता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, एक बात और, पिछले कुछ महीनों से इलेक्ट्रिक कार की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें इलेक्ट्रिक कार की कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर हमारा कभी प्लान इस कार को लेने के लिए बनता है तो इसकी कुछ जानकारी हमें पहले से ही पता हो। तो आइए जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने दो कार ली है, पहली टाटा नेक्सॉन और दूसरी टेस्ला कार मॉडल 3, जो कि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। 2-3 महीने के अंदर ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। जी हाँ, बात करते हैं पहले टाटा नेक्सॉन की। टाटा नेक्सॉन कार के बारे में मैंने कुछ जानकारी अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से दी है, आप उसे भी देख सकते हैं, उम्मीद है पसंद आएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टाटा नेक्सॉन जो कार है उसकी बैटरी अगर आप रिप्लेसमेंट कराने जा रहे हैं तो हमें 50 या 1 लाख नहीं बल्कि पूरे पूरे 4 से 5 लाख रुपये तक देने होंगे। ये मैं आपको केवल बैटरी का कॉस्ट ही बता रहा हूँ, जो कि 30 किलोवाट की होती है। अगर इसकी बैटरी की बात करी जाए तो इसकी बैटरी में 8 साल की वारंटी होती है। आपको 8 साल से पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी रिपेयर होगी आपके यहाँ। दोस्तों, ये थी टाटा नेक्सॉन की रिप्लेसमेंट की कॉस्ट। अब हम बात करते हैं टेस्ला कार के बारे में। तो दोस्तों, टेस्ला कार की जो बैटरी के बारे में आपको बता दूँ, इस कार को बैटरी रिप्लेसमेंट कराने के लिए आपको 4.5 लाख से 5.5 लाख रुपए तक भुगतान करना होता है, जो कि 50 किलोवाट की बैटरी होती है। फुल चार्ज करने में आपको 350 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। इसकी बैटरी फुल चार्ज करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं अगर हम अभी इसे घर में कर रहे हैं तो, और यही अगर हम सुपर चार्जर से या फास्ट चार्जर से करें तो मात्र 40 से 45 मिनट तक लगेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक छोटी सी जानकारी इलेक्ट्रिक कार के बैटरी जो रिप्लेसमेंट होती है उसके बारे में। उम्मीद है पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा।